जिसका नाम है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, टॉपिक का नाम है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो हम बात कर लेते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की। बेटा हम लोग बात कर लेते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि बेटा ये प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था, किसने किया था, ठीक है, इसके गोल्स क्या थे, इसमें किस मेथोलॉजी को यूज़ किया गया, प्रोसीजर क्या था, इसके आउटकम्स क्या थे, ये सारे हमें इस वीडियो में कवर करने हैं। तो मेरी बात ध्यान से समझिएगा बेटा, इस प्रोजेक्ट को मेगा प्रोजेक्ट कहा गया। इसको मेगा प्रोजेक्ट कहा गया क्योंकि इसको करने में बेटा 13 ईयर लगे थे, 13 साल का टेंचर लगा था इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में बेटा, 13 ईयर्स का टाइम लगा था। और इसमें जो अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट लगी थी, वो बेटा $9 बिलियन थी बेटा, $9 बिलियन थी बेटा, ठीक है, जो इसमें कॉस्ट आई थी। और इस प्रोजेक्ट को कंडक्ट करवाया था US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने और साथ में इसके कोलैबोरेट किया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने, जिसे हम NIH कहते हैं। ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका की हैं बेटा, ठीक है। अब बात ये करते हैं कि इस प्रोजेक्ट के बेसिकली टारगेट क्या थे, ठीक है, और इसको फंड किसने किया था वो भी बात कर लेते हैं, और कौन कौन सी कंट्रीज थी जिन्होंने अपनी इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। तो इसको बेसिकली फंड करने का जो क्रेडिट जाता है, इट वॉज़ फंडेड बाई अ ट्रस्ट कॉल्ड वेलकम ट्रस्ट बेटा। इसको वेलकम ट्रस्ट ने फंड किया था जो यूनाइटेड किंगडम का था, और इसमें अदर्स कंट्रीज थी जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, जिन्होंने अपने रिसर्चर्स भेजे थे, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, जापान एंड एक्सेट्रा, अदर कंट्रीज इन्वॉल्व थी, जर्मनी, फ्रांस, जापान, ठीक है, एट्सेट्रा, ये सारी कंट्रीज बेटा इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थी। अब इस प्रोजेक्ट में बेसिकली करना क्या था और इस प्रोजेक्ट के बेसिकली काम क्या था, मतलब ये मेनली किया क्यों गया, पहले तो उस रीजन की बात कर लेते हैं। तो बेटा सबसे पहला रीजन तो इसका ये है कि इस प्रोजेक्ट को होने से पहले हमारे को कुछ भी अपने जेनेटिक मटेरियल के बारे में डीप इंफॉर्मेशन नहीं थी, मतलब ये नहीं पता था कि एग्जैक्ट, हम लोग बोलते तो थे कि भाई हमारे अंदर 3.3 बिलियन केमिकल बेस पेयर हैं, जिसे हम लोग 3.3×10⁻⁹ बेस पेयर कहते हैं, लेकिन एग्जैक्ट नंबर नहीं पता था। वो एग्जैक्ट नंबर जो केमिकल बेस पेयर्स का निकल के आया वो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के बाद हुआ। पहले बेटा ये नहीं पता था कि टोटल नंबर ऑफ जीन कितनी है, हम लोग एक एस्टिमेशन देते थे कि भाई अप्रॉक्सीमेटली 130,000 से 140,000 जीन्स हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के बाद में एग्जैक्ट नंबर पता चला कि भाई हमारे पास में अप्रॉक्सीमेटली 20,000 to 25,000 जीन्स हमारे अंदर प्रेजेंट हैं। उसके अलावा ये नहीं पता था कि सबसे लॉन्गेस्ट क्रोमोसोम कौन है, सबसे शॉर्टेस्ट क्रोमोसोम है कौन सा है, किस क्रोमोसोम पे सबसे ज़्यादा जीन्स प्रेजेंट है, किस पे सबसे कम जीन्स प्रेजेंट है, कौन सी वाली जीन सबसे बड़ी जीन कौन सी है, एवरेज जीन का साइज क्या होता है या सबसे छोटी जीन का साइज क्या है, हम लोग आपस में जेनेटिकली कितने परसेंट रिजेंबल करते हैं, ये कुछ भी चीज़ें हमें नहीं पता थी, ठीक है, ये कुछ भी नहीं पता था, कितने परसेंट डीएनए कोड करता है, कितना नॉन कोडिंग है, ये कुछ भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास में नहीं थी। ये सारी इन्फॉर्मेशन बेटा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के बाद हमारे सामने आई, ठीक है। तो यहाँ पे इस सारी कंट्रीज थी, अच्छा इसमें से इसके गोल्स क्या थे, तो गोल्स में आप एक चीज़ समझिएगा बेटा, जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आएगी इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बाद में रिलेटेड टू ह्यूमन जीनोम, उस सारी इन्फॉर्मेशन को डेटा बेस की फॉर्म में, मतलब कंप्यूटर एडेड इन्फॉर्मेशन, कंप्यूटर के अंदर जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है उसे हम लोग डेटा बेस कहते हैं, तो उसको डेटा बेस की फॉर्म में भी स्टोर करना था।
तो बेसिकली क्या किया गया बेटा, तो बेसिकली क्या किया गया, यहाँ पे कुछ कंप्यूटर के टूल्स को भी इम्प्रूव किया गया और उस सारे डेटा को जो इस प्रोजेक्ट के बाद आया, उस डेटा को फ्री ऑफ कॉस्ट वर्ल्ड वाइड सभी कंट्रीज़ को नो उसका एक्सेस दिया गया। ठीक है, तो इस चीज़ को करने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी जो इम्प्रूव होने की ज़रूरत थी। तो अब मैं बात कर लेता हूँ कि जो डेटा था, जो यहाँ पे से इन्फॉर्मेशन आई, उस इन्फॉर्मेशन को अगर हम लोग रिटन फॉर्म में लिखते हैं तो वो रिटन फॉर्म में डेटा कितना होगा, कितनी इन्फॉर्मेशन है, कितनी कॉपीज़ उसमें भर जाएंगी। तो आप मेरी बात समझिएगा, मेरी बात समझिएगा कि अगर मैं इस डेटा को जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बाद आया और उसको अगर मैं लिखता हूँ रिटन फॉर्म में, तो सपोज़ एक पेज लेता हूँ, उस एक पेज में मैं 1000 लेटर्स लिखता हूँ, 1000 लेटर्स लिखता हूँ, और ऐसे ही पेजेस जिसमें एक पेज में 1000 लेटर्स हैं, ऐसे ही पेजेस की बुक बनाता हूँ, ऐसे ही पेजेस की बुक बनाता हूँ जिसमें बेटा 1000 पेजेस हैं, जिसमें 1000 पेजेस हैं, ठीक है। और ऐसे पेजेस वाली जो बुक्स हैं इनको मैं 3300 बुक्स को यूज़ करूँ, ठीक है। तो इतनी बुक्स भर जाएंगी तब जाके ये डेटा रिटन फॉर्म में इस इंफॉर्मेशन को लिखा जा सकता है। और इसमें अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास में जो केमिकल बेस पेयर हैं वो कितने हैं, 3.3 × 10⁻⁹ बेस पेयर, ये हमारे केमिकल बेस पेयर्स हैं बेटा। तो अगर मैं बात करता हूँ इनको अप्रॉक्सीमेट करके लिखूँ तो ये हो जाएगा 3.3 बिलियन, ये हो जाएगा 3.3 बिलियन। तो एक बेस पेयर के लिए जो कॉस्ट आती है वो अप्रॉक्सीमेटली बेटा $3 की आई। तो अगर हमारे पास में 3.3 बिलियन केमिकल बेस पेयर हैं, ठीक है, 3.3 केमिकल बेस पेयर हैं, तो बेटा हमारे को जो टोटल कॉस्ट लगने जा रही है वो अप्रॉक्सीमेटली $9 बिलियन है, $9 बिलियन है। तो ये तो रही बात इसके इंट्रोडक्शन की कि इसमें क्या क्या किया गया, क्या क्या नहीं किया गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इसके स्पेसिफिक गोल्स क्या क्या हैं बेटा। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, व्हाट आर द गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो गोल्स ऑफ HGP, तो सबसे पहला गोल इसमें था बेटा कि जितने भी हमारे अंदर 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर हैं, उन 3 बिलियन केमिकल या 3.3 बिलियन केमिकल बेस पेयर का सीक्वेंस पता करना, मतलब कि जो ATGC का जो सीक्वेंस होता है ना हमारे अंदर, उस सीक्वेंस को एग्जैक्टली पता लगाना कि वो सीक्वेंस है क्या। फिर उस सीक्वेंस को पता लगा के दो अलग अलग रेसेस के ह्यूमंस के DNA को आप कंपेयर करके देखें कितने पॉइंट पे ये अलग एक दूसरे से हो रहा है, कितनी टोटल नंबर ऑफ जीन्स हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें बेटा यहाँ पे इनके एम्स में आती हैं। तो सबसे पहला है टू आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ 3.3 बिलियन केमिकल बेस पेयर, ठीक है। दूसरा टू आइडेंटिफाई द टोटल नंबर ऑफ जीन्स, आइडेंटिफाई द टोटल नंबर ऑफ जीन्स, ठीक है बेटा। तीसरे नंबर पे था कि बेटा ये जो डेटा आया उसको डेटाबेस की फॉर्म में स्टोर किया जाए। तो नेक्स्ट है हमारा टू स्टोर दिस इन्फॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ डेटाबेस। उसके अलावा नेक्स्ट है बेटा, यहाँ पे नेक्स्ट जो गोल है वो ये है कि जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ रही है
उसको अदर सेक्टर में भेजना। उससे पहले एक छोटी सी चीज़ और थी, जो एक गोल और है जो चौथे नंबर पे आएगा, कि बेटा कंप्यूटर के अंदर टूल्स को इम्प्रूव करना। मतलब बेसिकली जो किया गया था इस प्रोजेक्ट को, तो बेटा ये 1990 से लेके 2003 तक चला था। तो उस टाइम पे जो टेक्नोलॉजी थी बेटा, कंप्यूटर्स की टेक्नोलॉजी थी, वो इतनी कुछ खास हुआ नहीं करती थी, तो उस टाइम पे जो कंप्यूटर आते थे बहुत ही, मतलब मैं कहूँ, थोड़े से एडवांस नहीं थे वो। तो उसमें जो सॉफ्टवेयर्स थे उनको भी इम्प्रूव करना था, ताकि इस डेटा को, जो इतना ह्यूज अमाउंट का डेटा है, इसको एनालाइज किया जा सके। ठीक है, इसको बेसिकली ऐसे टूल्स इम्प्रूव किए गए जिनकी मदद से बेटा हम लोग इस इंफॉर्मेशन को एक तो बेसिकली क्या करवा सकें, इसको इंटरनेट पे उसको भेज पाएँ, और उस इंटरनेट पे भी उसको सिंक्रोनाइज्ड एक वेल मैनर्ड वे में उसको रखा जाए। तो उसके लिए कंप्यूटर्स के अंदर टूल्स को भी सुधारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो उसके बाद में एक ब्रांच बायो में जो है डिस्कवर हुई, जिसको बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स वो ब्रांच है बायो की जो दो अलग अलग चीज़ों से मिलकर बनी है, एक बायोलॉजी और एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो बायोलॉजी और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बना के बायोइन्फॉर्मेटिक्स बनाया। मतलब ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो सब्जेक्ट है, ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के बाद में आया। मेरी बात आप समझिएगा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जब ख़त्म हो गया उसके बाद बायोइन्फॉर्मेटिक्स बना। क्यों? क्योंकि इतनी लार्ज अमाउंट में डेटा वहाँ पे आया, जिसको मैनेज करने के लिए ऐसी एक ब्रांच और ऐसे एक्सपर्ट पर्सन की ज़रूरत थी जो बेसिकली बायोलॉजिकल बैकग्राउंड के हों, और साथ में उनको कंप्यूटर की भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे चौथा जो गोल मैं लेके चल रहा हूँ वो है टू इम्प्रूव द टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस के लिए टूल्स को इम्प्रूव करना बेटा। उसके अलावा इस इंफॉर्मेशन को जो इस SGP से हमें मिली, इसको अदर सेक्टर्स में भी ट्रांसफ़र कर देना। टू ट्रांसफ़र रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू अदर सेक्टर। ठीक है, उसके अलावा बेटा इस प्रोजेक्ट को होने के बाद में बहुत सारी चीज़ें थी जो इंसानों की इजी होने वाली थी। तो अब इस इंफॉर्मेशन को यूज़ भी किया जा सकता था, मिसयूज़ भी किया जा सकता था। तो अब इसको मिसयूज़ ना किया जाए तो उन प्रॉब्लम्स को भी एड्रेस करना था, जिससे जो एथिकल, लीगल या सोशल इश्यूज़ इस प्रोजेक्ट से उठ सकते थे, जो भी गलत इस इंफॉर्मेशन का मिसयूज़ किया जा सकता था, उन सब को भी एड्रेस करना एक इनके गोल्स में था। तो नेक्स्ट है टू एड्रेस ऑल इथिकल लीगल एंड सोशल इश्यूज़। इसे शॉर्ट में बेटा ELSI कहते हैं, ELSI दैट मे अराइज फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट। ठीक है बेटा, तो इस प्रोजेक्ट से जो भी बेटा ये प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं उनको भी एड्रेस करना इसका काम था। अब बात कर लेते हैं, ये तो सब गोल्स थे कि सबसे पहले सारे जो 3.3 बिलियन केमिकल बेस पेयर है उनका एग्जैक्ट सीक्वेंस पता करना, उनको सीक्वेंस करना। सीक्वेंसिंग करने का मतलब होता है टू नो द एग्जैक्ट सीक्वेंस ऑफ केमिकल बेस पेयर प्रेजेंट इन आवर DNA, तो उसे कहते हैं बेटा सीक्वेंसिंग करना। दूसरा था टोटल नंबर ऑफ जीन को आइडेंटिफाई करना, कि टोटल नंबर ऑफ जीन्स कितनी हैं। पहले एस्टिमेट पता था, एग्जैक्ट नहीं पता था। एग्जैक्ट कब पता चला? जब ये प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ। उसके बाद में बेटा इसको डेटाबेस की फॉर्म में स्टोर करना,
उसके अलावा टूल्स को इम्प्रूव करना कंप्यूटर के अंदर जो डेटा एनालिसिस को कर सके, उसके अलावा इन टेक्नोलॉजीज़ को जो यहाँ से आए उनको अदर सेक्टर्स में ट्रांसफ़र करना, और लास्ट में एड्रेस करना उन सारे इश्यूज़ को जो इस प्रोजेक्ट से अराइज हो सकते थे। तो ये तो रही बात बेटा किसकी, गोल्स की, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि मेथोडोलॉजी इन्होंने क्या ऑप्ट की थी या इनकी अप्रोचेस क्या थी मेथोडोलॉजी में। तो अब मैं बात कर ले रहा हूँ मेथोडोलॉजीज़ की। तो बेटा मेथोडोलॉजी में इनकी मेनली दो अप्रोचेस थी, जिसमें सबसे पहली अप्रोच जो थी बेटा वो थी एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, जिन्हें कह रहा हूँ मैं ESTS, जिसे मैं नाम दे रहा हूँ ESTS, फुल फॉर्म है इसकी एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। अब नाम से पता चल रहा है बेटा, उन सीक्वेंसेस को टैग करना या फाइंड आउट करना जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, मतलब जो कोडिंग डीएनए के सीक्वेंसेस हैं उनको पता करना, इस अप्रोच का मेन टारगेट था या इसका जो मेन एम था। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग उन रीजन्स को फाइंड आउट करना चाहते हैं डीएनए का जो बेसिकली वो सीक्वेंसेस जो अपने आप को कोड कर रहे हैं, ठीक है। नॉन कोडिंग डीएनए से हमें यहाँ पे कुछ नहीं लेना देना। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, हम यहाँ पे बेसिकली ढूंढ रहे थे या टैग कर रहे थे उन सीक्वेंसेस को, उन डीएनए सीक्वेंसेस को जो कोडिंग सीक्वेंसेस हैं जो अपने आप को बेसिकली एक्सप्रेस करते हैं, जो एक्सप्रेस करके प्रोटीन को बनाते हों। तो हम लोगों ने मेनली यहाँ पे टारगेट किया है किसको, जो कोडिंग डीएनए है या कोडिंग सीक्वेंसेस हैं, जो बेसिकली एक्सप्रेसिंग सीक्वेंसेस हैं, ठीक है, जो बेसिकली प्रोटीन बनाते हैं। तो हमें यहाँ पे उन्हें टारगेट करना था। और दूसरी यहाँ पे जो अप्रोच थी बेटा, दूसरी जो अप्रोच थी वो थी सीक्वेंस एनोटेशन। अब सीक्वेंस एनोटेशन में क्या करा जाना था बेटा, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। सीक्वेंस एनोटेशन को इन्होंने बोला है कि भाई ये एक ब्लाइंड अप्रोच थी। ब्लाइंड अप्रोच का मतलब है कि यहाँ पे ऐसे स्पेसिफाई नहीं किया गया कि भाई हम लोग केवल कोडिंग डीएनए को ही सीक्वेंस करेंगे, नॉन कोडिंग से हमारा कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे पहले पूरे डीएनए को एक साथ सीक्वेंस कर लिया गया, आइदर इट इज़ कोडिंग और नॉन कोडिंग, सारे जो डीएनए कोड करके प्रोटीन बनाता था उसको, जो नहीं बनाता था उसको भी। और लेटर ऑन जब पूरा सीक्वेंस जो है सीक्वेंस हो गया, उसके बाद उसमें से जो कोडिंग पार्ट है उसे वहाँ पे टैग कर देना या उस पोजीशन को असाइन कर देना। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि यहाँ पे एक ब्लाइंड अप्रोच थी, इसमें हमने क्या किया, हमने सीक्वेंस कर लिया होल डीएनए सीक्वेंस को, ठीक है, हमने होल डीएनए सीक्वेंस को जो है यहाँ पे सीक्वेंसिंग कर ली, या आप ऐसे कर लीजिएगा होल डीएनए सीक्वेंसिंग तो मैंने पहले से लिख रखा है, आप समझ लीजिए होल डीएनए। अब उस होल डीएनए में आप कह दीजिएगा कि इसमें कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों पार्ट हैं, कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों पार्ट हैं, ठीक है। और हमने लेटर ऑन क्या किया, हमने लेटर ऑन असाइन कर दिया किसको, कोडिंग पार्ट को या कोडिंग रीजन को, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सीक्वेंस कर दिया होल डीएनए को और लेटर ऑन हमने कोडिंग रीजन्स को असाइन कर दिया। और इसमें हमने क्या किया था, शुरुआत से ही कोडिंग रीजन को हम अपना टारगेट लेके चले थे, हमें नॉन कोडिंग को नहीं करना था, केवल कोडिंग पार्ट को वहाँ पे आइडेंटिफाई करना था। तो ये दो मेथोडोलॉजी थी। अब इसमें प्रोसीजर क्या लिया गया हम लोग बात कर लेते हैं अब बेटा प्रोसीजर की, कि प्रोसीजर क्या था। तो ध्यान से सुनिएगा, इसमें सबसे पहला काम आप एक बात समझिए कि यहाँ पे हमें बेसिकली ह्यूमन डीएनए को सीक्वेंस करना है,
तो हमारे पास पहले एटलीस्ट एक सेल के अंदर जितना अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट है वो तो आ जाए, या वो तो हम आइसोलेट कर ले। तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पे जो होने वाला है वो है बेटा आइसोलेशन ऑफ डीएनए। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, डीएनए को आइसोलेट कर लेंगे। फिर हम दूसरे नंबर पे क्या काम करने वाले हैं बेटा, हम दूसरे नंबर पे क्या करने वाले हैं, डीएनए को आइसोलेट कर तो लिया, अब हम उनके फ्रेगमेंट्स को बना लेते हैं, और फ्रेगमेंट्स बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो डीएनए मेरे पास में आया उनको फ्रेगमेंटेशन कर दिया, उनका क्या कर दिया बेटा, हमने उनका फ्रेगमेंटेशन कर दिया बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। बेटा उनका फ्रेगमेंटेशन कर दिया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से। अब जो डीएनए फ्रेगमेंट्स मेरे पास आ गए, उन डीएनए फ्रेगमेंट्स को मैं क्या करूँगा, मैं उनको क्लोन कर लूँगा। क्लोन करने का मतलब उनकी मैं कॉपी बना लूँगा, और कॉपी बनाने के लिए मैं स्पेशल क्लोनिंग वेक्टर्स को यूज़ करूँगा, जिन्हें हम लोग बेटा ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम या बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम कहते हैं। बेटा ये जो क्रोमोसोम येक एंड बैक का नाम मैं ले रहा हूँ, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का और बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का, ये दोनों सिमिलर होते हैं प्लाज्मिड से। प्लाज्मिड क्या होता है, किसी भी बैक्टीरिया के अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए जो होता है उसके जैसे होते हैं। लेकिन हम लोग प्लाज्मिड को यहाँ पे यूज़ इसलिए नहीं कर सकते कि प्लाज्मिड का साइज बहुत छोटा होता है, और यहाँ पे ह्यूमन डीएनए के फ्रेगमेंट्स जो हैं वो काफ़ी बड़े साइज के हैं, तो इन बड़े डीएनए के फ्रेगमेंट्स को उनके साथ जोड़ने में मुश्किल होगी और वो क्लोन नहीं कर पाएंगे, मतलब उनकी कॉपी नहीं बना पाएंगे। तो हमारे पास में एक बड़ा ऐसा वेक्टर होना चाहिए। वेक्टर का मतलब क्या है, ध्यान से समझिए, जैसे प्लाज्मिड है, ये सर्कुलर सा प्लाज्मिड है बेटा, ये डबल स्ट्रैंडेड प्लाज्मिड है। अब ये कोई डीएनए का फ्रेगमेंट है, यहाँ पे मैंने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करके फ्रेगमेंट बनवा दिया। तो सपोज़ करो इसको मैं फ्रेगमेंट को मैं येलो कलर से ले रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस प्लाज्मिड के साथ में इस फ्रेगमेंट को मैं जोड़ दे रहा हूँ, तो अब क्या होगा बेटा, यहाँ पे इनके पास में एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक साइट होती है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो पॉइंट होता है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। तो जो भी प्लाज्मिड अपना रेप्लिकेशन करेगा तो रेप्लिकेशन करने के लिए, ध्यान से समझिएगा मेरी बात, आप अपना रेप्लिकेशन करने के लिए जब वो सारे को रेप्लिकेट कर रहा होगा, तो ये जो रीजन है यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसे भी तो रेप्लिकेट करेगा। मतलब थोड़े टाइम बाद आपको यहाँ पे एक और कॉपी मिलेगी प्लाज्मिड की रेप्लिकेट होके, जिसमें आपको ये जो बाहर का डीएनए आपने लगाया था, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ले कट करके यहाँ पे जोड़ा था पहले येलो कलर का, उसके जैसा ही एक और यहाँ पे डीएनए तैयार हो जाएगा। तो मतलब आपने इस डीएनए की कॉपी तैयार कर दी ना ये वाली, तो इसी चीज़ को कहते हैं बेटा क्लोनिंग करना। मतलब आपने पुराने एक डीएनए फ्रेगमेंट की मदद से दूसरा एक फ्रेगमेंट तैयार कर दिया, मतलब आपने बेटा क्या किया है, क्लोनिंग को कर दिया है। तो यहाँ पे मैं अब बात कर ले रहा हूँ कि आपने जब फ्रेगमेंटेशन कर दिया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से, उसके बाद में आप क्या कर रहे हैं, आप क्लोनिंग कर दे रहे हैं, आप उसकी कॉपी क्रिएट कर दे रहे हैं, या आप उसे कह सकते हैं एम्प्लीफिकेशन कर दे रहे हैं, उसकी कॉपी नंबर को बढ़ा दे रहे हैं। किसकी मदद से, बाई ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। मैं इनकी फुल फॉर्म भी लिख दे रहा हूँ बेटा, क्या है, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ठीक है, अब आपने इनकी कॉपीज तैयार कर ली। अब क्या करेंगे आप, अब आप इन येक एंड बैक को बनाने के बाद में, आप एक सिक्वेंसर नाम की मशीन होती है बेटा, जिसे हम लोग ऑटोमेटेड डीएनए सिक्वेंसर कहते हैं। वो सिक्वेंसर बेसिकली क्या करता है, जो भी नाइट्रोजिनस बेस के अंदर बेटा हमारे जो भी नाइट्रोजिनस या डीएनए के अंदर जो भी सिक्वेंस लगा हुआ है नाइट्रोजिनस बेस का, उसको आइडेंटिफाई करता है। वो एक एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को रीड करता है, वो उनके स्ट्रक्चर को एनालाइज करता है कि वो प्यूरिन्स हैं
और प्यूरिन्स में भी वो एडनिन है, ग्वानिन है, पायरिमिडिन्स हैं, तो पायरिमिडिन में वो साइटोसिन है या थाइमिन है। तो जो भी चीज़ वहाँ पे प्रेजेंट डीएनए के उस फ्रेगमेंट में होती है, उस सीक्वेंस को कंप्यूटर के अंदर लेके आ जाते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके आ जाते हैं ATGC की फॉर्म में, ठीक है। तो उसे बेटा हम लोग सिक्वेंसिंग करना कहते हैं, और जो सिक्वेंसिंग को करता है उसको बेटा मशीन को हम सिक्वेंसर कहते हैं। वो सिक्वेंसर क्या करेगा, जो डीएनए फ्रेगमेंट है उसके अंदर जो लगे हुए नाइट्रोजनस बेसिस का सिक्वेंस है उसको हूबहू वो इस कंप्यूटर की स्क्रीन पे ला देगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अगला स्टेप क्या करने वाले हैं, हम लोग बेटा सिक्वेंसिंग करने वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं, सिक्वेंसिंग करने वाले हैं उस डीएनए फ्रेगमेंट का, उस डीएनए फ्रेगमेंट का बाय ऑटोमेटेड डीएनए सिक्वेंसर, बाय ऑटोमेटेड डीएनए सिक्वेंसर बेटा। ऑटोमेटेड डीएनए सिक्वेंसर की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, उस डीएनए के फ्रेगमेंट का सिक्वेंस कर सकते हैं। और इस ऑटोमेटेड डीएनए सिक्वेंसर को बेटा फ्रेडरिक सेंगर ने दिया था, इसको फ्रेडरिक सेंगर मेथड के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इन्होंने इसे डिस्कवर किया था। तो ऑटोमेटेड डीएनए सिक्वेंसर को दिया था किसने, फ्रेडरिक सेंगर मेथड ने, या फ्रेडरिक एंड सेंगर ने। इसीलिए हम लोग जब भी ऑटोमेटेड डीएनए सिक्वेंसर कहेंगे, मतलब ये सिक्वेंसर करता क्या है, जैसे आपने फ्रेगमेंट्स कर लिए तो ये बड़ा सा सिक्वेंसर है, तो इस सिक्वेंसर में क्या होता है, ये कंप्यूटर स्क्रीन से अटैच्ड है, ये आपका कंप्यूटर है वो इसकी स्क्रीन से ये सिक्वेंसर अटैच्ड है। तो आपने जो भी आपने फ्रेगमेंट डीएनए का लिया सपोज़ वहाँ से, उस फ्रेगमेंट को यहाँ पे डाल दिया, और आप क्या करेंगे, जब इस सिक्वेंसर नाम की मशीन को चलाएंगे तो ये क्या करेगी, इस डीएनए फ्रेगमेंट के अंदर जो भी बेटा ATGC TAGC का सिक्वेंस प्रेजेंट होगा वो इसे रीड करेगा, वो एडनीन के स्ट्रक्चर को देखेगा, थाइमीन, ग्वानीन, इनके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, साइटोसिन, और वो जो भी डीएनए में फ्रेगमेंट में सिक्वेंस होगा उस सिक्वेंस को ये कंप्यूटर की स्क्रीन पे देता चला जाएगा बेटा, ये आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे देता हुआ चला जाएगा। इस तरीके से ये सिक्वेंसिंग होती चली जाएगी, ठीक है, और ये डीएनए का फ्रेगमेंट सिक्वेंस हो जाएगा बेटा फाइनली आपका। तो अब आपने फ्रेडरिक सेंगर मेथड की मदद से जो बनाया गया ऑटोमेटेड डीएनए सिक्वेंसर था उसकी मदद से उस डीएनए फ्रेगमेंट में जो भी सिक्वेंस था उसको आप कंप्यूटर के अंदर ले आए हैं। अब क्या करेंगे बेटा, आप बेसिकली जो भी ओवरलैपिंग रीजन्स हैं उनको अरेंज कर लेंगे बेटा, क्या कर देंगे आप, अरेंज कर देंगे डीएनए सिक्वेंस को, अरेंज कर देंगे डीएनए सिक्वेंस को ऑन बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग रीजन बेटा, ओवरलैपिंग रीजन्स के बेसिस पे आप उसे क्या कर देंगे, अरेंज कर देंगे। ये काम तो किया गया बेटा प्रोसीजर में इसके, और लास्ट एक और स्टेप बाकी है इसमें, वो है अलाइनमेंट करना, ठीक है। आप क्या कर देंगे, अलाइनमेंट कर देंगे उस सीक्वेंस की, अलाइनमेंट कर देंगे उस सीक्वेंस की, और उसको करने के बाद में आप उस कंप्यूटर में उससे डेटा को सेव कर लेंगे। तो ये एक होल प्रोसीजर है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, किस तरीके से डीएनए के सीक्वेंसेस को पता किया गया या उसकी सीक्वेंसिंग की गई। तो ये हमारे कुछ मेन स्टेप्स थे बेटा। अब मैं बात कर ले रहा हूँ कि इसके सेलियंट फीचर या इसके आउटकम्स क्या क्या थे, ठीक है, इसके सेलियंट फीचर्स क्या थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बेटा सेलियंट फीचर्स क्या क्या थे। तो आप सबसे पहले जानेंगे इसके सेलियंट फीचर में सबसे पहली चीज़ तो ये पता करेंगे आप या जानेंगे कि जो टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर या केमिकल बेस पेयर हमारे अंदर प्रेजेंट है वो बेटा 3,164.7 मिलियन है। जैसे हम लोग पहले क्या बोल रहा था, मैं 3.3 बिलियन केमिकल बेस पेयर बोल रहा था, तो यहाँ पे 3.3 केमिकल बेस पेयर ना बोल के मैं बोल रहा हूँ 3,164.7। तो हमारे अंदर जो टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर हैं
वो हैं बेटा 3164.7 मिलियन। ठीक है जी। दूसरा, हमारे अंदर टोटल नंबर ऑफ जीन्स कितनी हैं बेटा? हमारे अंदर टोटल नंबर ऑफ जीन्स कितनी हैं? तो वो है बेटा अप्रॉक्सीमेटली 22-25,000। और वो है बेटा अप्रॉक्सीमेटली, एक जगह बुक में आपको 20-25 मिलेगा, लेटर ऑन आपको 25-30,000 भी मिल सकता है। तो आप इन दोनों डेटा को याद रखेंगे कि NCERT में दोनों ही दिए हुए हैं, एक जगह पे 20-25,000 लिखा हुआ है, दूसरी जगह 25-30,000 लिखा हुआ है, तो दोनों को ही आप याद रखेंगे। उसके अलावा बेटा जो जीन्स होती हैं उनका जो एवरेज जीन है, या एवरेज जीन साइज की बात करें, तो हर एक जीन का एवरेज है 3000 बेस पेयर का बेटा। तो एवरेज साइज जो होता है जीन का, एवरेज जो साइज होता है जीन्स का, वो होता है अप्रॉक्सीमेटली 3000 बेस पेयर। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ जीन्स हमारी बहुत बड़ी भी हैं इसके अलावा। तो इसमें लार्जेस्ट जीन कौन सी है, हमारी लार्जेस्ट जीन कौन सी है? तो बेटा लार्जेस्ट जीन जो है वो है डिस्ट्रोफिन को बनाने वाली जीन, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन जीन बेटा, डिस्ट्रोफिन जीन। ये कितनी है? ये बनी हुई है बेटा 2.4 मिलियन बेस पेयर से बेटा, 2.4 मिलियन बेस पेयर से बनी हुई है ये। और ये जीन किसके ऊपर प्रेजेंट है? तो बेटा ये लोकेटेड होती है क्रोमोसोम नंबर एक्स के ऊपर, ये एक्स क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड है। और जो हमारी स्मॉलेस्ट जीन है हमारी बॉडी के अंदर, जो स्मॉलेस्ट जीन है, तो वो है बेटा SRY जीन। ये SRY जीन एग्जिस्ट है या लोकेटेड है किसके ऊपर बेटा? वाई क्रोमोसोम के ऊपर, वाई क्रोमोसोम के ऊपर। और बेटा ये बेसिकली 14 बेस पेयर की बनी होती है। तो आपको ये याद रखना है कि कौन सी जीन कितने साइज की बनी होती है। उसके अलावा आपको याद रखना है कि बेटा हमारे अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं उसमें सबसे बड़ा क्रोमोसोम, जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ जीन्स को कैरी करता है, वो है क्रोमोसोम नंबर 1। तो हमारा सबसे लार्जेस्ट क्रोमोसोम है क्रोमोसोम नंबर 1। ठीक है, क्रोमोसोम 1 के ऊपर आपको 2968 जीन्स मिलेंगी। और सबसे कम नंबर ऑफ जीन्स कैरी करता है बेटा क्रोमोसोम वाई, या वाई क्रोमोसोम, वो बेटा कितनी है? उसके ऊपर केवल आपको 231 जीन देखने के लिए मिलेंगी बेटा। ठीक है, उसके अलावा जितनी भी जीन्स हमें पता चली बेटा, उसमें से 50% जीन्स का जो फंक्शन है वो अननोन है। मैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिख दे रहा हूँ कि फंक्शन ऑफ 50% डिस्कवर्ड जीन आर अननोन, वो नोन नहीं है, अननोन है बेटा। उसके अलावा बेटा इनके, हमारे और दूसरे पर्सन के डीएनए को अगर आप मैच करते हैं, तो मैच करने के बाद में दो डीएनए के सीक्वेंसेस को आपको पता चलेगा कि सारे ह्यूमंस में लगभग 99.9% डीएनए रिजेंबल करता है, बिल्कुल सेम है। केवल 0.1% डीएनए है जो हमें एक दूसरे से अलग बनाता है बेटा। क्या बोल रहा हूँ मैं कि 99.9% ऑफ डीएनए सीक्वेंस इज सेम इन ऑल, ओनली वन परसेंट इज व्हाट मेक अस यूनिक, जो हमें यूनिक बनाता है एक दूसरे से बेटा। उसके अलावा
उसके अलावा नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट है कि हमारे अंदर कितने परसेंट डीएनए है जो कोड कर रहा है, कितने परसेंट है जो नॉन कोडिंग है। तो अप्रॉक्सीमेटली बेटा मैं कह सकता हूँ लेस देन 2% डीएनए सीक्वेंस जो हमारे अंदर है वो कोडिंग है, और 98% जो डीएनए है हमारे अंदर बेटा वो नॉन कोडिंग है, वो नॉन कोडिंग है। उसके अलावा बेटा, उसके अलावा बेटा हमारे अंदर जो लार्जेस्ट पोर्शन है डीएनए का वो हाईली रिपीटेटिव फॉर्म में है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ लार्ज पोर्शन ऑफ आवर डीएनए इज इन हाईली रिपीटेटिव फॉर्म, हाईली रिपीटेटिव, काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड सिक्वेंसेज हैं बेटा ज़्यादातर पार्ट के अंदर, ठीक है। उसके अलावा बेटा हमारे अंदर, जैसे आप सपोज करो मैंने बोला आपको कि हम लोग कितने 99.9% सेम हैं, 0.1% अलग हैं एक दूसरे से, तो वो कितने पॉइंट है जिस पे हम लोग एक दूसरे से अलग हैं, मतलब वो कौन सा न्यूक्लियोटाइड पॉइंट है जिस पे हम सब लोग के अंदर डिफरेंस आता है, या एक न्यूक्लियोटाइड में सबके अंदर पॉलीमॉर्फिक फॉर्म प्रेजेंट है। तो हमारे अंदर केवल 1.4 मिलियन ऐसी साइट्स हैं जिस पे हमारे जो, मतलब टोटल 3164, मतलब कहने का मतलब है कि आप टोटल पर्सन एक्स का 3.3 मिलियन जो केमिकल बेस पेयर हैं आप उसको ऐसे लिख दें, फिर इसी तरीके से आप 3.3 बिलियन जो बेस पेयर हैं आप इन्हें यहाँ पे लिख दें, और इन दोनों के बीच में कंपैरिजन कर लें, आप इन दोनों के बीच में क्या कर लें, कंपैरिजन कर लें, और कंपैरिजन करने के बाद में आपको क्या मिलेगा कि सारा लगभग डीएनए सेम होगा, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जहाँ पे इसमें ए लगा हुआ है तो इसके अंदर जी लगा होगा, सपोज़ यहाँ पे टी लगा हुआ है तो यहाँ पे सपोज़ करो किसी में सी लगा होगा दूसरे पर्सन में। तो ऐसे पॉइंट्स को बेटा हम लोग कहते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड, और वहाँ पे पॉलीमॉर्फिक फॉर्म है तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा बेटा, 1.4 मिलियन SNP होती है बेटा, SNP का मतलब है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म बेटा, ठीक है, 1.4 मिलियन सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म है। इन्हें बेटा हम लोग स्निप्स भी कहते हैं, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, स्निप्स भी कहते हैं, SNP को हम लोग स्निप्स के नाम से भी जानते हैं। मतलब ये वो पॉइंट है जिस पे जो डीएनए है वो पॉलीमॉर्फिक फॉर्म में प्रेजेंट होगा, मतलब वहाँ पे डिफरेंसेस आएंगे, ठीक है जी। तो ये तो रही बात इसकी आपके ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के सेलिएंट फीचर्स की। अब आप एक चीज़ जान लें, कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के बाद में जो लार्ज अमाउंट में डेटा आया था उसको मैनेज और स्टोर करने के लिए एक स्पेशल ब्रांच की रिक्वायरमेंट थी, जिस ब्रांच को बायोइन्फॉर्मेटिक्स कहा गया। और बायोइन्फॉर्मेटिक्स बेटा एक ब्रांच है स्पेशल जो बेसिकली डील करती है, जो हमारी कंप्यूटेशनल जो बायोलॉजिकल टेक्निक्स हैं उनको डेवलप करती है, टूल्स को डेवलप करती है, और वो मैनेज करती है इन सारी चीज़ों को, तो उसे हम लोग बायोइन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं बेटा, ठीक है। तो ये तो रही बात।